लीडर ऑफ ऑपरेशन बनने से ना सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज़ बनने का काम किया है संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बनी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं उनको, उनके, मैं समझता हूँ जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नज़र बनाए हुए हैं और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से ना सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। सरकार का जो रवैया रहा मैं मानता हूँ कि वो सही नहीं था। अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती हैं कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम क्या निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वस्थ परंपरा ये रही है, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। लेकिन इस सरकार का जो गठन हुआ है ये एक मिलीजुली सरकार है और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और भाजपा जब चुनाव में गई थी तो 303 सांसद उनके थे, आज वो 240 पे हैं, तो लगभग 65 सांसद बीजेपी के कम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 55 सांसद थे, 54 सांसद थे, आज 102 सांसद हैं, तो हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। तो हमने जो बात रखी जनता के सामने, जो मैनिफेस्टो बनाया, जिन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ने का काम किया, उन सिद्धांतों को, उन मुद्दों को, उन इश्यूज़ को, मैनिफेस्टो को हमारे को जनता ने पसंद किया। ये बात सही है कि सरकार दोबारा एनडीए की बनी है, लेकिन भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। दो बड़े सहयोगियों के साथ सरकार का निर्माण हुआ है, संभावनाएं आगे क्या बनती हैं कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि नए स्पीकर जो बने हैं राजस्थान से, हमारे ओम बिरला जी, वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं लोकसभा के, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि वो निष्पक्षता से काम करेंगे। और स्पीकर होने का जो दायित्व होता है उसका मतलब होता है कि प्रत्येक दल को, प्रत्येक सदस्य को बराबरी का मौका मिले और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा, जो उनका दायित्व है उसको पूरा करने का उनको अवसर प्रदान करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका कार्यकाल कामयाब रहेगा, लेकिन विपक्ष को, खासकर उन लोगों को जो अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के अंदर, वो खुलापन उनको महसूस होगा ओम बिरला जी के कार्यकाल में। आज देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो नीट की परीक्षा का मामला है, पर आप सब जानते हैं कि इस परीक्षा के विवादित होने के कारण लाखों करोड़ों लोगों को, खासकर नौजवानों को, बहुत बड़ा सदमा लगा है। और नौजवानों के अंदर जो विश्वास है प्रक्रिया पर, परीक्षा की प्रणाली पर, उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और केंद्र सरकार ने जिस तरह शुरू में एक अड़ियल रवैया अपनाया था और बात को मानने से इनकार किया था, अंत में उनको गलती स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन अभी तक इस पर जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इस तरह का विश्वासघात, इस तरह का लीपापोती कर बचाव करना, ये मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता। और नीट वाला इशू है, बाकी जो परीक्षा कैंसिल करी गई हैं, लगातार लोगों में भ्रम फैल रहा है कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। और इस देश में आज रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर आज कहीं बेरोज़गारी है, शिक्षित बेरोज़गारी है, तो आज के समय पर है। उसका समाधान ढूंढने के लिए सरकार को काम करना चाहिए था। ये वो सरकार है चुनाव लड़ने से पहले अपने 100 दिन की योजना बना रही थी और ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर रहे थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे समाज का हिस्सा है, नौजवान वर्ग है, उनके साथ उन्होंने एक तरह से विश्वासघात किया है। तो इस पर उन्हें पूरी कार्रवाई करनी चाहिए।